तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेंचैन अपने सभी दोस्तों के साथ मास्टर ओयांग के द्वारा बताई गई जगह पर पहुंचता है, जहां पर यांडान और येमो पहले से ही खड़े होते हैं। और अब वह सभी लोग मास्टर ओयांग के साथ एक फ्लाइंग शिप पर बैठकर फाइव प्रिजन की ओर जाने लगते हैं। अब दिखाया जाता है कि उड़ते उड़ते उन लोगों का फ्लाइंग शिप सी ऑफ डिस्ट्रक्शन में पहुंच जाता है। और अब उस जगह को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके होते हैं, क्योंकि वहां पर चारों ओर तबाही ही तबाही होती है और आसमान से काफ़ी बड़े बड़े मीटियोर्स नीचे गिर रहे होते हैं। तभी डिसिंग बोलता है, मैंने इसके बारे में सुना था, यह हमारे वर्ल्ड और अपर वर्ल्ड के बीच का एक बॉर्डर है और इसे वूयू और सियासीयू के बीच का पीक भी कहा जाता है। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह जगह इतनी ज़्यादा खतरनाक होगी। यह जगह सच में बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और इस जगह पर सरवाइव कर पाना किसी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है। वहीं पर यह सब कुछ देखकर ओल्ड मैन डाबी भी काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है और अब वह बोलता है, मास्टर क्वेंचैन, यह जगह सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो क्या आप सच में अपने सभी दोस्तों के साथ यहाँ से आगे जाना चाहते हो? क्योंकि मेरे ख्याल से हमें आगे और भी कई सारी खतरनाक चीज़ें देखने को मिलेंगी। और तो और, इस बॉर्डर को पार करने के बाद हम जिस जगह पर पहुँचेंगे उस जगह पर रहने वाले लोग जोंगजाओ सिटी से भी ज़्यादा पावरफुल होंगे। तभी क्वेंचैन बोलता है, अगर हम सभी लोगों को यहाँ पर ताकतवर बनना है तो हमें आगे बढ़ते रहना होगा, और मैं मानता हूँ कि यह जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए मार्शल किंग रैलम से कम कल्टीवेशन का पर्सन इस जगह से आगे नहीं जा सकता है। और एक बार हम इस जगह को पार कर लेते हैं तो फिर हम एक ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जहां पर हम अपनी कल्टीवेशन का यूज़ करते हुए हेवन और अर्थ दोनों की ही पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं पर खड़े मास्टर ओयांग और कांग सिटोंग क्वेंचैन की यह सभी बातें सुन रहे होते हैं और अब वह बोलते हैं, क्वेंचैन को यहाँ पर हेवन एंड अर्थ की भी पावर के बारे में पता है, जो देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ। और अब मास्टर ओयांग चिल्लाते हुए वहाँ पर सभी लोगों को चौकन्ना होने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अब वह अपनी फुल स्पीड में उस बॉर्डर को पार करने वाले होते हैं। और अब उनकी फ्लाइंग शिप काफ़ी तेज़ी से ऊपर आसमान की ओर जाने लगती है, जो देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं और वह लोग खुद को वहां पर बैलेंस करने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं पर क्वेंचैन शिप में सबसे आगे खड़ा यह सब कुछ देख रहा होता है और अब कुछ ही देर में वह फ्लाइंग शिप उड़ते हुए बादलों से भी ऊपर आ जाता है। अब वहां पर चारों ओर सब कुछ शांत हो चुका होता है और अब फ्लाइंग शिप भी काफ़ी आराम आराम से वहां पर ऊपर उड़ रहा होता है, जो देखकर सभी लोग शांत होते हैं। पर तभी वह सभी लोग नोटिस करते हैं कि आसमान में कई सारी लाइट की किरणें तैर रही होती है, जो देखते ही वांग क्वेमिंग क्वेंचैन से पूछता है कि मास्टर, आखिर वह लाइट किस चीज की है। क्वेंचैन उसे बताता है कि वह एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है और उस फॉर्मेशन का यूज करते हुए ही हम यहाँ से सीधा वूयू में जा सकते हैं और वूयू में जाने की परमिशन बस कुछ गिने चुने लोगों को ही है। तभी मास्टर ओयांग उस फ्लाइंग शिप को वहां पर रोकते हुए अपने साथी टाओ से बोलते हैं कि तुम यहां से क्वेंचैन, येमो और यांडान तीनों को अपने साथ लेकर सीधा एंशियंट जेड स्टेशन पर जाओ। तब तक मैं कांग सिटोंग के साथ क्वेंचैन के सभी दोस्तों को लेकर फाइव एलिमेंट रैलम तक जाता हूँ, जहाँ पर यह सभी लोग कल्टीवेशन करेंगे, और इन्हें वहाँ पर छोड़ने के बाद मैं तुम्हारे पास जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगा। यह इन तीनों के फाइव प्रिजन का ज्वाइनिंग लेटर है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम यह लेटर दिखाकर प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। और अब वह क्वेंचैन से बोलते हैं, क्वेंचैन, अब यहाँ पर तुम्हें अपने दोस्तों को बाय बोलने का टाइम आ गया है। यह सुनते ही जाओ लिंगसान और जिसुन भागते हुए क्वेंचैन के पास आती है। वहीं पर वह दोनों काफी ज्यादा उदास होती है और अब वह क्वेंचैन को देखते हुए बोलती है, तो दोबारा से क्वेंचैन उन्हें छोड़कर यहाँ से जाने वाला है। पर क्वेंचैन उन दोनों को शांत करते हुए बोलता है, मैं दोबारा तुमसे जरूर मिलूंगा। यह बोलते हुए वह सभी लोगों को बाय बोलकर येमो और यांडान के साथ वहां से चला जाता है, जो देखकर जिसुन और जाओलिंगसान वहां पर परेशान हो जाती है। तभी कांग सिटोंग हंसते हुए बोलता है, तुम दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस यहां पर वह काम करो जो क्वेंचैन ने तुम्हें करने के लिए कहा है। क्वेंचैन चाहता है कि अगली बार जब तुम उससे मिलो तो तुम्हारी पावर उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो मैं भी चाहता हूं कि तुम यहां पर अपनी पावर को बढ़ाने में ध्यान दो। और तो और, तुम सभी लोग टैलेंटेड हो, तो मेरे ख्याल से जल्द ही तुम कल्टीवेशन के पीक पर पहुंच जाओगे, जिसके बाद तुम्हें क्वेंचैन से दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। और अब वह उस फ्लाइंग शिप को स्टार्ट करते हुए वांगबाओ टावर की ओर जाने लगते हैं, जिससे वह क्वेंचैन के सभी दोस्तों को
फाइव एलिमेंट टावर में कल्टीवेशन के लिए भेज सके। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि क्विंचेन, यांडान और येमो टाओ के साथ काफी तेजी से उड़ते हुए जेड स्टेशन की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक पर्सन की नजर उन लोगों के ऊपर पड़ती है और अब वह पर्सन काफी तेजी से उनके सामने जाते हुए उनका रास्ता रोक देता है और अब वह बोलता है, आखिर तुम जेड स्टेशन की ओर कैसे चले जा रहे हो, आखिर इस जगह पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी टाओ आगे बढ़ते हुए बोलता है, मेरी वजह से, हम सभी लोगों को यहाँ पर आने में थोड़ी देर हो गई। यह तीनों फाइव प्रिजन टूर्नामेंट में जीतने वाले पर्सन हैं और यहाँ से सीधा फाइव प्रिजन को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें जेड स्टेशन के अंदर जाने दिया जाए। तभी वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि यह तीनों कमजोर पर्सन वह पावरफुल जीनियस है जो फाइव प्रिजन को ज्वाइन करने वाले हैं। क्या तुमने बेवकूफ समझ रखा है, जितने भी जीनियस लोग फाइव प्रिजन को ज्वाइन करने वाले थे वह आज से कुछ महीने पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं, और तो और यह तीनों इतने ज्यादा कमजोर है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन करूंगा। यह बोलते हुए वह पर्सन अपनी पावर को रिलीज करता है, जो देखते ही यांडान और येमो परेशान हो जाते हैं। तभी टाओ आगे बढ़ते हुए अपने पास से वह ज्वाइनिंग लेटर को बाहर निकालते हुए उस पर्सन को दिखाते हुए बोलता है, मास्टर ओयांग ने खुद इस जगह पर इन तीनों को चुना है और ये रहा इनका ज्वाइनिंग लेटर, तो तुम हमें यहाँ पर नहीं रोक सकते हो। तभी वह पर्सन बोलता है, तो मास्टर ओयांग ने यहाँ पर इन जीनियस लोगों को चुना है, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर मास्टर ओयांग के द्वारा चुने गए यह जीनियस लोग कितने ज्यादा पावरफुल है। यह बोलते हुए वह उन तीनों के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, जिससे येमो और यांडान दोनों की ही हालत खराब हो जाती है, पर क्विंचेन बिना अपनी जगह से हिले उसे देख रहा होता है। तभी टाओ गुस्से में उस पर्सन के हाथ पर अटैक करते हुए उसके अटैक को रोक देता है और अब वह बोलता है, क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं, और क्या तुम मुझे यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज करना चाहते हो। तभी वह पर्सन बोलता है, मैं बस यहाँ पर मजाक कर रहा था, मैंने बस इन लोगों का यहाँ पर टेस्ट लिया है, मैं बस देखना चाहता था कि आखिर यह लोग कितने ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर यांडान और येमो काफी ज्यादा घायल हो चुके होते हैं। यह देखते ही वह पर्सन हंसते हुए बोलने लगता है, तो फाइव प्रिजन ने इस बार इन कमजोर लोगों को यहाँ पर अपने जीनियस डिसाइपल्स के तौर पर चुना है और अब वह उन लोगों को वहां से आगे जाने का रास्ता दे देता है। तभी टाओ यांडान और येमो को देखते हुए बोलता है, क्या तुम दोनों ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। वह दोनों बोलते हैं, वह यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, तो अब उन्हें यहाँ से आगे चलना चाहिए। और अब वह चारों जेड स्टेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। वहीं पर पीछे खड़ा वह पर्सन उन चारों को देख रहा होता है। तभी यांडान टाओ से पूछता है कि आखिर यह पर्सन करना क्या चाहता था। तभी टाओ उसे बताता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर सासुई डोमेन से आए हो, पर फाइव प्रिजन को ज्वाइन करने के लिए कई सारे पावरफुल डोमेन के डिसाइपल्स भी यहाँ पर आए हैं, साथ ही साथ तुम लोगों का सामना यहाँ पर वुयू मेनलैंड के काफी ज्यादा पावरफुल लोगों के साथ होगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर अपने लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट ना करो, वरना तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, क्योंकि फाइव प्रिजन को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक फैमिलीज के डिसाइपल यहाँ पर आए होंगे। जो सुनते ही यांडान और येमो बोलते हैं, वह इस चीज का ख्याल रखेंगे। और अब वह चारों काफी तेजी से वहां से आगे बढ़ते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।